नीतीश कुमार बस मीठे मीठे बोल बोल रहे हैं, ना तो वो 2024 की राजनीति के लिए दिल्ली जाएंगे, ना ही वो 2025 में मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच। एक तरफ बिहार की राजनीतिक गलियारों से ये खबर निकल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव की हाथों में दे देंगे। तेजस्वी यादव अगले बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। विपक्ष कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ना ही वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे और ना ही वो 2024 के होने वाले चुनाव के लिए दिल्ली आने वाले हैं। ये बोल दरअसल बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी के। सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है, साथ ही साथ लालू परिवार पर भी उन्होंने बयान दिया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताकर उन्हें एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तब जदयू और उनके सीनियर नेताओं के लिए कोई भविष्य नहीं बची है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहते हैं जिसकी एकमात्र योग्यता यही है कि वे लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। रविवार को बयान जारी कर सुशील कुमार मोदी ने जदयू के सांसदों और विधायकों में यदि अंतरात्मा बची है तो वो उस परिवार का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए पार्टी खड़ी और बड़ी हुई थी। नीतीश कुमार यदि गंभीर है तो उन्हें तुरंत भतीजे के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सुशील मोदी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को केवल मीठे आश्वासनों में बहाल कर 2025 तक मुख्यमंत्री बनना रहना चाहते हैं, न दिल्ली की राजनीति में जाएंगे न सीएम पद की कुर्सी छोड़ेंगे। वो उन्होंने कहा है कि वो अपने ही कार्यालय के बचे हुए दिन कुर्सी पर काटना चाहते हैं, लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव के बाद जदयू और आरजेडी का कोई भविष्य नहीं बचा है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा है कि नीतीश कुमार 2025 में अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, वो आखिरी सांस तक इस कुर्सी पर ही रहना चाहते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की लगातार बयानबाजी चल रही है, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी सुशील कुमार मोदी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ, डिप्टी सीएम बनना चाहते थे लेकिन बेचारा बन नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ अब सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बच्चा वाले बयान को लेकर कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को मीठे बोल बोल रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।